ट्रिग्नोमेट्री का देखते हैं इसको। इफ सेक 7 थीटा प्लस 28 डिग्री इज इक्वल टू कुसेक 30 माइनस 3 थीटा देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए आप एक बात जानते हैं, सेक का कुसेक क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू कुसेक नाइंटी माइनस थीटा। ठीक है, ये आपको बात समझनी है कि ये आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब आप सेक को कोसेक 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात दोबारा से मैं आपको बताता हूं कि जब भी एक दूसरे के डिग्री चेंजर हो, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हो सेक का कोसेक, तो ये जो इनकी डिग्री का जो सम है ये इसका प्लस ये दोनों जोड़कर आपको किसके इक्वल करने हैं? 90 के इक्वल कर देने हैं। समझ में आ रही बात? कब करने हैं? जब कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री आपस में इक्वल लिखे हुए मिल जाए आपको। ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको नीचे बता देता हूं। देखिए sec 7 थीटा प्लस 28 और cosec ये दोनों आपस में इक्वल है, हमने लिख लिए। अब हमने sec 7 थीटा प्लस 28 को ऐसे लिखा और cosec को हमने लिखा sec 90 माइनस थीटा। sec थीटा को मैं cosec 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं, तो मैं cosec को sec 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं एक दूसरे के, है ना, क्योंकि ये जैसे आप इसको लिख सकते हो वाइस वर्सा उसका उल्टा भी आप कर सकते हो, है ना, एक ही चीज होती है। तो अब यहां पर देखिए, यहां पर भी sec है, यहां पर भी sec है, तो ये डिग्री इस पूरी के इक्वल हो जाएगी, इस पूरी डिग्री के। वही करा इसने, 7 थीटा प्लस 28 इज इक्वल टू 90 माइनस 30 प्लस 3 क्यू। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस वाले को प्लस कर देगा। नाउ अब थीटा थीटा एक तरफ और डिग्रीज एक तरफ, तो ये 7 थीटा माइनस 3 इज 4 थीटा और 90 माइनस 30 माइनस 20 इज 32। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 32/4 इज 8 डिग्री। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, बट मैंने आपको क्या कहा, इन दोनों का अगर ऐड करते हो और ऐड करके 90 के इक्वल करते हो, तो देखिए 7 थीटा माइनस 3 थीटा ऐड करने पर कितना आता? ये आता 4 थीटा, यस और नो? और 28 प्लस 30 इनको ऐड करते तो ये कितना आता आपके पास? 58। कितना आता? 58। और वही आपको किसके इक्वल करना था? 90 डिग्री के। किसके इक्वल करना था? 90 डिग्री के। तो यार 90 माइनस 58 क्या होता आपका? तो यहां से आपको थीटा मिलता 90 माइनस 58 इज 32। सो 32 डिवाइड बाय 4 कितना आता आंसर? वही जो यहां से आया 8, 8 डिग्री। यस और नो? है ना बच्चों? वही मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अगर आपको इक्वल में मिल जाए तो उनकी डिग्रियों का सम 90 के इक्वल कर दो। क्या कर दो 90 के इक्वल? दोनों डिग्री थीटा 1 और थीटा 2 किसके इक्वल कर दो? 90 के इक्वल कर दो। बस वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। 1 और 2 किसके इक्वल कर दो? 90 के। इसको मैं थीटा 1 कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं इसको मैं? थीटा 1 कह रहा हूं। और इसको मैं क्या कह रहा हूं? थीटा 2 कह रहा हूं। तो ये जोड़कर किसके इक्वल कर दो? 90 के इक्वल कर दो। कब करना है? ध्यान रखना है आपको जब सेक का कोसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है और बीच में इक्वल का साइन मिले। ठीक है, तो 8 डिग्री, तो 8 डिग्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट। थैंक यू।